विपक्ष कल से ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से ये आखिरी भाषण है, और आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जवाब दे दिया कि मैं वापस आ रहा हूं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? दो उत्तर दूंगा इसके। एक, मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस ने जो अपशब्द कहे, जो अभद्र भाषा का उपयोग किया, वो जनता जानती 2002-03 से लेके 2023 तक, उसमें कोई कमी नहीं आई, बड़ा ही है। कभी मौत का सौदागर, कभी बिच्छू, कभी नीच, कभी सांप, कभी मोदी तेरी कब्र खोदेगी, लेकिन जनता ने हर बार करारा जवाब दिया। अब तो जनता को ही इस घमंडिया गठबंधन की कांग्रेस ने जनता को ही राक्षस बोल दिया है। अरे देखिए, मोदी जी भारत की जनता को परिवारजन कहते हैं और ये घमंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी उनको राक्षस कहती है, तो आप सोचिए जनता किसके साथ जाएगी। जनता ने पहले भी पूर्ण बहुमत मोदी जी को दिया और मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया, 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। अब जनता तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी और मोदी जी भी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की भारत को बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है और उस पर मैं आपसे रिएक्शन इसलिए चाहता हूं क्योंकि आपने इसमें कुछ कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज नहीं पहुंचे लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में, और उस पर उन्होंने उनका एक उनकी सफाई आई, उन्होंने कहा कि मैं व्यस्त था इसलिए नहीं पहुंच पाया, और वो देश की न केवल सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष हैं बल्कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, तो आपको उनका ये जो उन्होंने ये कारण दिया सही लगता है या आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया, घमंडिया गठबंधन का अहंकार और घमंड एक बार फिर देखने को मिला, और लोकतांत्रिक मूल्यों में और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिनका विश्वास ना हो, देश के साथ जो खड़े ना हो, और पहले हर घर तिरंगा अभियान से भी अपने आप को काट लिया, आज जब मोदी जी ने तिरंगा झंडा लहराना था तो वहां से भी कन्नी काट ली। ये दिखाता है कांग्रेस अगर सत्ता में हो तो वहां आएंगे, नहीं हो तो नहीं आएंगे। ये छोटा दिल और ओछी राजनीति, यही कांग्रेस के पतन का कारण है। आपने कहा कि वो इस तरह से तड़प रहे हैं जिस तरह से बिन पानी मछली, जब आपसे इस बारे में पूछा गया, तो वाकई विपक्ष के ऐसे तड़प रहा है? मैंने कहा कांग्रेस सत्ता से बाहर जब होती है, बिल्कुल, मैं एक बार फिर कहता हूं, कांग्रेस उस तरह से तड़प रही है सत्ता के बिना जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, और ये दिख रहा है उनके बोली में, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में, और ये जनता देख रही है। जिनको ये राक्षस कहते हैं वो जनता देख रही है, क्योंकि हमारे लिए तो 140 करोड़ की भारतवासी परिवारजन है, वो देख रहे हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है।